What? Not cheating. Today, in the class of the subject of the manufacturing technology, we will discuss about the unit second, and in case of the unit second, we will discuss about the metrology, introduction of the metrology, linear measurement and the angular measurement. Introduction to the metrology, linear measurement and angular measurement. Hence, we discuss here what is the definition of the metrology, what is the objective of the metrology, what is the need for the inspection. कल भी हम लोगों ने need for the inspection को गहराई से चेक किया था कि इंस्पेक्शन का जो जरूरत और क्वालिटी कंट्रोल का जरूरत क्यों है. क्लासिफिकेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड द सिस्टम, एरर्स इन द मेजरमेंट, डिफिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड, सब डिविजन ऑफ द स्टैंडर्ड्स, लीनियर स्टैंडर्ड, कैलिब्रेशन ऑफ द एंड बार, एंगुलर मेजरमेंट, न्यूमेरिकल ऑन द बिल्डिंग ऑफ द एंगल्स, ऑटोकोलोमीटर्स. तो इसमें तीन पार्ट है. एक तो पहला पार्ट है मेट्रोलॉजी, दूसरा पार्ट है लिनियर मेजरमेंट, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द लिनियर मेजरमेंट, एंड तीसरा पार्ट है एंगुलर मेजरमेंट, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द एंगुलर मेजरमेंट. इसका ऑब्जेक्टिव है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द मेट्रोलॉजी, इट्स एडवांसमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, acquire knowledge of the different standard of the length, calibration of the end bar, linear and angular measurement, various types of the measuring instrument and the applications. Metrology ek jo hai separate subject hai kai university mein. Metrology ek separate subject ke roop mein padhaya jata hai. Ye aapko bahut hi important subject hai. किसी भी तरह का मेजरमेंट करना है तो वो मेट्रोलॉजी के अंदर आता है. किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी तरह का मेजरमेंट, किसी भी तरह का सरफेस रफनेस, पैरेललिज्म, टूल बियर का चेकिंग, इंटरफेरोमेट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ द कंपैरेटर्स, ये सारे मेट्रोलॉजी के अंदर आते हैं. मेट्रोलॉजी का आपको यहां पर सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. मेट्रोलॉजी का एक डिफरेंट, एक कंप्लीट सब्जेक्ट है जो पार्ट आपको लिया गया है. मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट से लिया गया है ना. डिफिनेशन ऑफ द मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी फ्रॉम एंशियंट ग्रीक मेट्रोन मीजर, इसका मतलब है मीजर, एंड लोगो मतलब स्टडी ऑफ द मीजर, इज द साइंस ऑफ द मेजरमेंट. ये मेजरमेंट का साइंस है. सभी तरह का मेजरमेंट किस तरह करते हैं वो मेट्रोलॉजी के अंदर आता है. मेट्रोलॉजी इंक्लूड्स ऑल थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द मेजरमेंट. किसी भी तरह का थ्योरेटिकल किस तरह मेजर किया जाए और प्रैक्टिकली किस तरह जो है मेजर किया जाए इंडस्ट्री में, वो मेट्रोलॉजी के अंदर आता है. मेट्रोलॉजी इज कंसर्न विद द एस्टैब्लिशमेंट, रिप्रोडक्शन, कंजर्वेशन एंड ट्रांसफर ऑफ द यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट एंड देयर स्टैंडर्ड्स. इसी के अंदर आपको आता है. फॉर इंजीनियरिंग पर्पस मेट्रोलॉजी इज रिस्ट्रिक्टेड टू मेजरमेंट ऑफ द लेंथ एंड एंगल एंड द क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द लीनियर और एंगुलर टर्म्स. Measurement is a process of comparing quantitatively an unknown magnitude with a predefined standard. This is known as the measurement. है ना, किसी unknown magnitude को predefined standard के साथ में
कंपेयर करना ही आपको मेजरमेंट है। एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड ले लीजिए, स्केल ले लीजिए, दिस इज द प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड, और किसी अननोन मैग्नीट्यूड को मेजर करना, ये आपको मेजरमेंट कहलाता है। ये आपको 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 मेजरमेंट कहलाता है। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मेट्रोलॉजी? द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मेट्रोलॉजी इज टू प्रोवाइड एक्यूरेसी एट द मिनिमम कॉस्ट। एक्यूरेट पार्ट बनना चाहिए। कल भी मैं आपको इंस्पेक्शन का और क्वालिटी कंट्रोल का बात कर रहा था। एक्यूरेसी बहुत जरूरी है एट द मिनिमम कॉस्ट। एक्यूरेट पार्ट बनाना बहुत ही जरूरी है। जापानीज पीपल ऑलवेज 100% एक्यूरेसी पे काम करते हैं, सिक्स सिग्मा पे काम करते हैं, इसीलिए वो सक्सेसफुल है। 100% एक्यूरेसी पे काम करते हैं, उनका हर एक प्रोडक्ट जापानीज का 100% एक्यूरेट रहता है, एक भी डिफेक्टिव आपको नहीं मिलेगा। तो जापान इसी के वजह से वर्ल्ड में छाया हुआ है। एक्यूरेसी एट द मिनिमम कॉस्ट, थोरो इवोल्यूशन ऑफ द न्यूली डेवलप्ड प्रोडक्ट्स एंड टू इंश्योर दैट द कंपोनेंट्स आर विद इन द स्पेसिफाइड डायमेंशन। थोरो इवोल्यूशन ऑफ द न्यूली डेवलप्ड प्रोडक्ट एंड इंश्योर दैट द कंपोनेंट्स आर विद द मिनिमम स्पेसिफाइड डायमेंशन। जो भी कंपोनेंट्स बनता है स्पेसिफाइड डायमेंशन के साथ बनता है। तो क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन, एक्यूरेसी, ये आपको जो टर्म है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, आपका एक्यूरेट पार्ट बनता है, आपके यहाँ क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है, तो आपको मारुति तुरंत वेंडर सिलेक्शन में ले लेगी। टू डिटरमाइन द प्रोसेस कैपेबिलिटी, किसी प्रोसेस की कैपेबिलिटी को डिटरमाइन करना। टू असेस द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैपेबिलिटी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कैपेबिलिटी को डिफाइन करना। इंश्योर दैट दे आर एडेक्वेट फॉर देयर स्पेसिफिक मेजरमेंट्स। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द इंस्पेक्शन, रिजेक्शन एंड द रिवर्क। रिवर्क जो है, रिजेक्शन जो है, एंड द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, ये आपको रिड्यूस करना ही इंडस्ट्री के लिए आपको जरूरी है। कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन को रिड्यूस कर दीजिए, आपका जो कॉस्ट है आइटम का वो आपको रिड्यूस हो जाएगा। रिजेक्शन को रिड्यूस कर दीजिए, आपका कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाएगा। रिवर्क को रिड्यूस कर दीजिए, आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। टू स्टैंडर्डाइज द मेजरिंग मेथड, मेजरिंग मेथड को स्टैंडर्डाइज कीजिए। टू मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट थ्रू द पीरियोडिकल कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। टू मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट थ्रू द पीरियोडिकल कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। टू प्रिपेयर डिजाइन फॉर गेजेज एंड स्पेशल इंस्पेक्शन फिक्चर्स, है ना। टू प्रिपेयर डिजाइन फॉर गेजेज एंड स्पेशल इंस्पेक्शन फिक्चर्स, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मेट्रोलॉजी। पहले आपको मेट्रोलॉजी का मीनिंग समझाया। मेट्रोलॉजी जो है किसी चीज को मेजर करना, मेजरमेंट करना, आपको मेट्रोलॉजी कहलाता है। आपका यूनिट टू में जो भी आपको दिया हुआ है, आपको मेट्रोलॉजी से रिलेटेड आपको सिलेबस दिया हुआ है। इसमें यूनिट टू में आपको मेट्रोलॉजी से रिलेटेड आपको सिलेबस दिया हुआ है। तो मेजरमेंट से रिलेटेड आपको सिलेबस दिया हुआ है। नीड फॉर इंस्पेक्शन, कल भी मैंने आपको इंस्पेक्शन पे ही मैंने लेक्चर लिया हुआ था। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द फिटनेस ऑफ द एनीथिंग मेड, मैन हैज ऑलवेज यूज्ड इंस्पेक्शन। डिटरमाइन द फिटनेस, फिटनेस को डिटरमाइन करने के लिए इंस्पेक्शन को यूज किया गया। बट इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन इज ऑफ द रेसेंट ओरिजिन एंड हैज ए साइंटिफिक अप्रोच बिहाइंड इट। इट केम इनटू बीइंग काउज ऑफ द मास प्रोडक्शन व्हिच इन्वॉल्व इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द पार्ट। इंस्पेक्शन से आपको मास प्रोडक्शन पे आपको फर्क पड़ेगा, जो कि इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द पार्ट है। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द पार्ट, मास प्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने यूनिट थर्ड में आपको डिस्कस किया हुआ था। सेपरेट इंस्पेक्शन वेयर नॉट रिक्वायर्ड,
इन केस ऑफ द मास प्रोडक्शन सेपरेट इंस्पेक्शन की आपको कोई जरूरत नहीं है। इफ एनी कंपोनेंट पार्ट डिड नॉट फिट प्रॉपरली एट द टाइम ऑफ द असेंबली द क्राफ्टमैन वुड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन अदर ऑफ द मेटिंग पार्ट सो दैट द असेंबली फंक्शन प्रॉपरली, है ना। सो एक्चुअली स्पेसिंग नो टू पार्ट्स विल बी अलाइक एंड देयर वाज प्रैक्टिकली नो रीजन व्हाई दे शुड बी। नाउ द न्यू प्रोडक्शन टेक्निक हैव बीन डेवलप्ड एंड द पार्ट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन द लार्ज स्केल ड्यू टू द लो कॉस्ट मेथड ऑफ द प्रोडक्शन। So hand fit methods cannot serve the purpose anymore when large number of the components of the same part has been produced, then any part would require to fit the properly into any other mating component part. And the modern technique require the production of the complete article be broken up into the various component part so that the production of the each component part becomes an independent process. मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक में प्रोडक्शन के जितने भी अलग अलग पार्ट हैं उसको स्टेजेज में डिवाइड किया गया है जिससे कि इंडिपेंडेंटली वो आपको काम करे। द वेरियस पार्ट्स टू बी असेंबल टुगेदर इन असेंबली शॉप कम फ्रॉम द वेरियस शॉप्स। सो इट इज वेरी एसेंशियल दैट द पार्ट मस्ट शो फैब्रिकेटेड द सेटिस्फैक्ट्री मेटिंग ऑफ एनी पेयर चूजन एट द रैंडम इज पॉसिबल, है ना। This industrial inspection is assumed its importance due to the necessity of the suitable mating of the various components manufactured separately. Industrial inspection ka aapko importance yahi hai, aapko suitable mating various component ko separately manufacture kiya jaye. It may be appreciated that when the large quantity of the work pieces are manufactured on the basis of the interchangeability, the methods of the gauging therefore determine the dimensional accuracy of the feature without reference to its actual size. The purpose of the dimensional control is, however, not to strive for the exact size, as it is impossible to produce all the parts of the exactly same size due to so many inherent and the random source of the production. Ye aapko importance hai need for the production inspection ka. The principal aim is to control and restrict the variation within the prescribed limit. जो principal aim है inspection का यही है, to control and restrict the variation. Variation को reduce करना, कोई भी parts में आपको variation आता है उसको reduce करना, वही आपको need for the आपको inspection है. Since we are interested in producing the mating parts, such that assembly meets the prescribed work standard, we must not aim at the accuracy beyond the set limits. Lastly, inspection lead to the development of the precision inspection instrument, which couch the transition from the crude machine to the better designed and precision machines. It had also led to the improvement in the metallurgy and the raw material manufacturing due to the demands of the high accuracy and the precision. Inspection has also introduced a spirit of the competition and led to the production of the quality products in volume by eliminating tooling bottlenecks and the better processing technique. And to ye aapko need for the aapko inspection tha, kyun inspection ka aapko zarurat hai, kyun jo hai आपको इंस्पेक्शन का आपको आपको जरूरत है। आप बताइए चंदन शाह जी, आप हैंड राइज किए। सर अटेंडेंस ले लो। अच्छा अटेंडेंस ले ले, हाँ ठीक है ले लेते हैं अटेंडेंस ले लेते हैं। शेखर जी इज प्रेजेंट, 25 कौशल जी इज प्रेजेंट, 12 दीपांशु चौधरी इज प्रेजेंट,
यस सर। आकाश पवार जी थ्री इज प्रेजेंट, अंकित शर्मा जी सिक्स इज प्रेजेंट, चंदन शाह जी एट इज प्रेजेंट, गौरव जी 16 इज प्रेजेंट, ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट, रौनक कुमार जी 39 इज प्रेजेंट, आशीष जी 7 इज प्रेजेंट, हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट, हृदेश जी 19 इज प्रेजेंट, जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट। जो प्रेजेंट हैं उसका एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट, हृदेश जी 19 इज प्रेजेंट, हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट, आशीष जी 7 इज प्रेजेंट, ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट, गौरव जी 16 इज प्रेजेंट, चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट, अंकित शर्मा जी 6 इज प्रेजेंट, आकाश पवार जी 3 इज प्रेजेंट, दीपांशु चौधरी 12 इज प्रेजेंट, 39 रौनक कुमार जी प्रेजेंट, 25 कौशल जी प्रेजेंट, 41 शेखर जी प्रेजेंट एंड 29 नंदिनी जी इज प्रेजेंट। है ना, तो सभी का अटेंडेंस जो है आपको मैंने बता दिया। तो फंडामेंटल मेथड्स ऑफ द मेजरमेंट, मेजरमेंट के क्या मेथड्स हैं, दो बेसिक मेथड्स हैं, टू बेसिक मेथड्स आर द कंपनी इंप्लॉयड फॉर द मेजरमेंट, डायरेक्ट कंपैरिजन विद द प्राइमरी और द सेकेंडरी स्टैंडर्ड, कंपैरिजन करके प्राइमरी स्टैंडर्ड से, स्केल से किसी का कंपैरिजन करके, एंगल से किसी का कंपैरिजन करके मेजरमेंट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट कंपैरिजन थ्रू द यूज ऑफ द कैलिब्रेटेड सिस्टम। इनडायरेक्ट कंपैरिजन में आपने किसी स्टैंडर्ड को, किसी को स्टैंडर्ड बना दिया और उससे जो है मेजरमेंट करने लग गया, तो ये आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कंपैरिजन आपके मेथड है। डायरेक्ट कंपैरिजन में इन दिस मेथड मेजरमेंट इज मेड डायरेक्टली बाय कंपेयरिंग द अननोन मैग्नीट्यूड विथ ए स्टैंडर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय नंबर। द सिंपलेस्ट एग्जांपल फॉर दिस वुड बी द लेंथ मेजरमेंट यूजिंग ए मीटर स्केल। मीटर स्केल से किसी को मेजर कर रहे तो फिर ये आपको आता है, हियर वी कंपेयर द बार्स लेंथ अननोन क्वांटिटी मेजर एंड ए स्केल स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड वन। We said that the bar measures so many mm, cm, inches or the length. Direct comparison method are quite common for the measurement of physical quantity like length, mass, etc. It is easy and the quick. Drawbacks of the direct comparison method. The main drawback of this method is the method is not always accurate and reliable. Also, the human senses are not equipped to make the direct comparison of the all quantity with the equal facility all the time. ये आपको drawbacks हैं। Also, the measurement by the direct method are not always possible, feasible and practicable. है ना? Direct ये आपके drawback हैं कि हमेशा जो है direct measurement आदमी नहीं कर सकता है। Measurement of the temperature, measurement of the weight, है ना? ये डायरेक्टली नहीं कर सकता है, ये आपके डायरेक्ट कंपैरिजन के आपको मेथड है। इनडायरेक्ट कंपैरिजन, मोस्ट ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम यूज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ द मेजरमेंट। इन दिस मेथड ए चेन ऑफ डिवाइसेस व्हिच इज टुगेदर एज ए मेजरिंग सिस्टम इज द इंप्लॉय। द चेन ऑफ द डिवाइसेस ट्रांसफॉर्म द सेंस सिग्नल इनटू ए मोर कन्वीनियंट फॉर्म एंड द इंडिकेट दिस transport signal either on indicator or a recorder or feed to the controller. It makes use of the
ट्रांसड्यूसिंग डिवाइस एलिमेंट विच कन्वर्ट द बेसिक फॉर्म ऑफ द इनपुट इनटू एन एनालॉगस फॉर्म विच इज देन प्रोसेस एंड द प्रेजेंट्स एट एज ए नॉन फंक्शन ऑफ द इनपुट. फॉर एग्जाम्पल टू मीजर द स्ट्रेन इन ए मशीन नंबर ए कंपोनेंट सेंसेस द स्ट्रेन अनदर कंपोनेंट ट्रांसफर द सेंस सिग्नल इनटू एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी विच इज देन प्रोसेस्ड सुटेबली बिफोर बीइंग फीड टू ए मीटर और द रिकॉर्ड. फर्दर ह्यूमन सेंसेस आर नॉट इक्विप्ड टू द डिटेक्ट क्वांटिटी लाइक प्रेशर फोर्स और स्ट्रेन बट कैन फील सेंस और कैन नॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द सच क्वांटिटी. Hence, we require a system that detects, sense, converts, finally presents the output in form of a displacement. है ना? ये आपको indirect comprehension method है. Direct में directly standard से measure किया जाता है. Indirect में indirectly जो है एक standard बना गया गया. Standard बना करके उससे जो है compare किया गया. ये आपको indirect comprehension method है. है ना? तो दोनों के इनडायरेक्ट कंपेरिजन के डायरेक्ट कंपेरिजन के आपको यहां पे कंपेरिजन दिखाया गया है. अननोन क्वांटिटी इज मेजर्ड कंपेयरिंग डायरेक्टली विद द प्राइमरी और द सेकेंडरी स्टैंडर्ड. अननोन मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग विद ए स्टैंडर्ड डायरेक्टली थ्रू द यूज ऑफ द कैलिब्रेटेड सिस्टम. ह्यूमन सेंसेस आर वेरी मच नेसेसरी फॉर द मेजरमेंट इन केस ऑफ द डायरेक्ट मेजरमेंट. ये आपको कंसिस्ट ऑफ द चेन ऑफ द डिवाइसेस विच फॉर्म ए मेजरिंग सिस्टम. Result obtained from the direct comparison are not dependable, not always accurate. ये आपको fairly accurate रहता है. This consists of a detector element to detect a transducer to the transducer. ये आपको indirect comparison कह रहता है. है ना? ये आपको direct और indirect measurement है. Classification of the measuring instrument and the system. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेड बाय द इनडायरेक्ट कंपेरिजन थ्रू द कैलिब्रेशन. आपको प्राइमरी मेजरमेंट है, सेकेंडरी मेजरमेंट है, टर्शियरी मेजरमेंट है. ये आपको तीन तरह के आपके मेजरमेंट है. प्राइमरी मेजरमेंट, सेकेंडरी मेजरमेंट एंड द टर्शियरी मेजरमेंट. प्राइमरी मेजरमेंट इन ए प्राइमरी मोड द साउंड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल पैरामीटर इज डिटरमाइंड बाय द कंपेयरिंग इट डायरेक्टली विद द रेफरेंस स्टैंडर्ड. ये आपको प्राइमरी मेजरमेंट है. एग्जाम्पल में आपको मैचिंग ऑफ द टू लेंथ व्हेन डिटरमाइनिंग द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट विथ ए रूलर. है ना? रूलर से आपको लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट डिटरमाइन किया जाता है. ये आपको प्राइमरी मेजरमेंट है. सेकेंडरी मेजरमेंट में द इनडायरेक्ट मेजरमेंट इन्वॉल्विंग वन ट्रांसलेशन आर कॉल्ड द सेकेंडरी मेजरमेंट. कन्वर्सन ऑफ प्रेशर इंटू द डिस्प्लेसमेंट बाय द बेलोज इज नाउन द सेकेंडरी मेजरमेंट. आप प्रेशर देकर के डिस्प्लेसमेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं. ये आपको सेकेंडरी मेजरमेंट है. टर्शियरी मेजरमेंट द इनडायरेक्ट मेजरमेंट इन्वॉल्विंग टू कन्वर्सन आर कॉल्ड द सेकेंडरी मेजरमेंट. टर्शियरी मेजरमेंट द मेजरमेंट ऑफ ए स्पीड ऑफ ए रोटेटिंग शाफ्ट बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक टैकोमीटर इज कॉल्ड टर्शियरी मेजरमेंट. स्पीड को अगर मेजर करते हैं रोटेटिंग शाफ्ट को, ये आपको टर्शियरी मेजरमेंट. तो प्राइमरी मेजरमेंट हो गया, सेकेंडरी मेजरमेंट हो गया और टर्शियरी मेजरमेंट हो गया. नाउ वी डिफाइनिंग द एक्यूरेसी. द एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट द डेविएशन ऑफ रीडिंग फ्रॉम ए नॉन इनपुट. एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स द डेविएशन ऑफ द रीडिंग फ्रॉम ए नॉन इनपुट. इन अदर वर्ड्स द एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस विथ विच द रीडिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट अप्रोचेस द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड. It is the maximum amount by which the result differs from the true value. Accuracy is expressed as a percentage based on the actual scale reading, full scale reading. है ना? तो percentage accuracy based on the reading, आपको maximum और minimum minus VA multiplied by 100 divided by VA. ये आपको परसेंटेज एक्यूरेसी ये आपको देता है. परसेंटेज एक्यूरेसी बेस्ड ऑन द फुल स्केल रीडिंग आपको जो है वेरिएबल मैक्सिमम और मिनिमम माइनस वीए मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय द वीएफएस. दिस इज द
परसेंटेज एक्यूरेसी देता है, वीए एक्चुअल वैल्यू है, वीआर मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्ट वैल्यू है, वीएफएस फुल स्केल रीडिंग है। एग्जांपल 100 बार प्रेशर गेज हैविंग एन एक्यूरेसी ऑफ द 100 1% वुड बी एक्यूरेट विद इन प्लस माइनस 1 बार ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द गेज। प्रिसीजन, व्हाट इज द प्रिसीजन? द प्रिसीजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स इट्स एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस ए सर्टन रीडिंग विथ ए गिवन एक्यूरेसी। This is known as the precision. In other words, it is the degree of agreement between the repeated results. Accuracy or precision का आपको comprehension यहाँ पर आपको दिया हुआ है। Accuracy का मतलब है it is the closeness with the true value of the quantity being measured. Precision का मतलब है it is a measure of the reproducibility of the measurement. ये आपको precision हो गया। The accuracy of the measurement means conformity to the truth. ये आपको accuracy हो गया। The term precise means clearly or sharply defined. ये आपको precision हो गया। Accuracy can be improved. Precision cannot be improved. Accuracy depends upon the simple technique and analysis. Precision depends upon the many factors and requires many sophisticated techniques. ये आपको definition precision and accuracy का आपको कंप्रिजन आपको यहां पर आपको बताया गया है ना। एक्यूरेसी और प्रिसीजन का कंप्रिजन आपको यहां पर बताया गया। इरर्स इज मेजरमेंट, मेजरमेंट में कितने तरह के आपके इरर होते हैं वो यहां पर आपको बताया गया। इरर में भी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। सही वैल्यू क्या है और मेजर्ड वैल्यू क्या है उसी का डिफरेंस जो है एरर कहलाता है। सिस्टमेटिक इरर, रैंडम इरर एंड इलिगमेटिक इरर्स, ये आपको इरर का क्लासिफिकेशन है। सिस्टमेटिक इरर, रैंडम इरर्स एंड इलिगमेटिक इरर्स। सिस्टमेटिक इरर जनरली द विल बी कॉन्स्टेंट सिमिलर फॉर्म और रिकर कॉन्स्टेंटली एवरी टाइम मेजरमेंट इज मेजर्ड मे रिजल्ट फ्रॉम द इम्प्रॉपर कंडीशन और द प्रोसीजर इम्प्लाइड। दिस इज द सिस्टमेटिक इरर। कैलिब्रेशन एरर, कैलिब्रेशन प्रोसीजर इज इम्प्लाइड इन ए नंबर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ द चेकिंग एडजस्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ये आपको कैलिब्रेशन एरर कहलाता है। ह्यूमन एरर, द टर्म ह्यूमन एरर इज ऑफ्टन यूज्ड वेरी लूजली। वी अज्यूम दैट व्हेन वी यूज इट एवरीवन विल अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस। फॉर दिस रीजन विदाउट ए universally accepted definition use of the same term is subject to the misinterpretation. Systematic or the fixed error, calibration errors, certain types of the constantly recurring human errors, errors of the technique, uncorrected loading errors, limited limits of the system resolution, systematic error are the repetitive of the fixed value. They have a definite magnitude and the direction. Random or the accidental error, errors stemming from the environmental variation, certain types of the human errors due to the variation in the definitions, due to the insufficient sensitivity of the measuring system, ye aapko accidental errors ho gaya. Random errors are distinguishable by their lack of the consistency, an observer may not be consistent in taking the reading. Also the process involved may include certain poorly controlled variables causing the changing conditions, the variation in temperature, variation in the external medium cause errors in the instruments. Illegitimate errors, blunders or the mistakes, computational errors are the illegitimate errors. And यहां पर आपको errors के बारे में आपको बताया गया। ये सारे आपको metrology का term है। What are the different types of the errors or measurement? What are the difference between the accuracy and precision? Accuracy क्या है, precision क्या है, primary measurement क्या है, secondary measurement क्या है, tertiary measurement क्या है ना, direct comprehension method क्या है, indirect comprehension method क्या है, इसके बारे में आपको बताया गया। What are the direct comprehension method, indirect comprehension method, इनडायरेक्ट कंपेरिजन मेथड के बारे में बताया गया, ड्रॉबैक्स ऑफ द डायरेक्ट कंपेरिजन मेथड के बारे में आपको बताया गया,
है ना, मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या है, नीड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मेट्रोलॉजी क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, आठ ऑब्जेक्टिव है, आठ ऑब्जेक्टिव को आपको बताया गया, डिफिनेशन ऑफ द मेट्रोलॉजी क्या है ना, मेट्रोलॉजी का डिफिनेशन क्या है, तो आज डिफिनेशन ऑफ द मेट्रोलॉजी कवर किया गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेट्रोलॉजी कवर किया गया, नीड ऑफ द इंस्पेक्शन कवर किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपको कवर किया गया, एरर्स इन मेजरमेंट कवर किया गया, डिफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड, ये आपको लीनियर मेजरमेंट से आपको शुरू होता है, तो आज मेट्रोलॉजी का जो पोर्शन है वो आपको कवर किया गया। व्हाट इज ए मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी एक सेपरेट सब्जेक्ट है, आपको यहां पर उसका आपको समरी आपको इस यहां पर इंक्लूड किया गया है, मेट्रोलॉजी में सभी तरह का मेजरमेंट, थ्रेड मेजरमेंट, गियर मेजरमेंट कैसे करते हैं, थ्रेड मेजरमेंट कैसे करते हैं वो आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, पैरेलल सरफेस कैसे निकालते हैं, है ना, तो वो सारे मेजरमेंट मेट्रोलॉजी के अंदर आता है, तो मेट्रोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है और हर एक इंडस्ट्री में मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट रहता है जो आपको इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल के साथ मिला हुआ रहता है, तो मेट्रोलॉजी का आपको मीनिंग क्या है, आपको मीजर एंड लोगो का मीन्स स्टडी ऑफ द मेजरमेंट, मेट्रोलॉजी इंक्लूड्स थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द मेजरमेंट, ये आपको मेट्रोलॉजी कहलाता है, थ्योरेटिकल एंड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द मेजरमेंट इज नाउन एज द मेट्रोलॉजी, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द मेजरमेंट इज नाउन एज द मेट्रोलॉजी, ये आपको मेट्रोलॉजी का मीनिंग हो गया। मेट्रोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द एस्टैब्लिशमेंट, रिप्रोडक्शन, कंजर्वेशन एंड ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट एंड देयर स्टैंडर्ड्स, है ना, ये मेट्रोलॉजी का जो मीनिंग है, स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश करना, ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट को बनाना, उसका कंजर्वेशन करना, ये मेट्रोलॉजी का काम है। फॉर इंजीनियरिंग पर्पसेस मेट्रोलॉजी रिस्ट्रिक्टेड टू द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ एंड एंगल एंड क्वांटिटी, लेंथ का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, एंगल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, क्वांटिटी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ये आपको मेट्रोलॉजी के अंदर आता है। मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ द कंपेयरिंग क्वांटिटेटिवली एन अननोन मैग्नीट्यूड विद ए प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड, ये आपको मेट्रोलॉजी के अंदर आता है, है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेट्रोलॉजी, ये आठ ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेट्रोलॉजी है, ये आपको दिया हुआ है, टू प्रोवाइड एक्यूरेसी एट द मिनिमम कॉस्ट में एक्यूरेसी प्रोवाइड करना, ये मेट्रोलॉजी का काम है, थ्रू इवोल्यूशन एंड न्यूली डेवलप्ड प्रोडक्ट्स एंड टू इंश्योर द कंपोनेंट्स आर विद इन द स्पेसिफाइड डायमेंशन, कोई भी कंपोनेंट इंडस्ट्री में बनता है वो स्पेसिफाइड डायमेंशन में बनता है, ये मेट्रोलॉजी का ऑब्जेक्टिव है, टू डिटरमाइन द प्रोसेस कैपेबिलिटी को डिटरमाइन करना, ये मेट्रोलॉजी का ऑब्जेक्टिव है, टू असेस द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैपेबिलिटी, हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का क्या कैपेबिलिटी है, ये उसको आपको इंश्योर करता है, एंड इंश्योर दैट दे आर एडेक्वेट फॉर देयर स्पेसिफिक मेजरमेंट, ये उसके बारे में बताता है, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द इंस्पेक्शन एंड रिजेक्शन एंड द रीवर्क को खत्म करना, रीवर्क नहीं हो, रीवर्क सबसे बड़ा लॉस है इंडस्ट्री का, तो रीवर्क को खत्म करना, ये आपको मेट्रोलॉजी का आपका जो ऑब्जेक्टिव है, किसी भी आदमी का रीवर्क करने में टेक तो टाइम जाता है, एक तो आपका मशीन का टाइम जाता है और मटेरियल का कॉस्ट जो है उसमें जाता है, तो रीवर्क करना, आपको रीवर्क को ये हटाता है, रिजेक्शंस को हटाता है, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन को हटाता है, ये मेट्रोलॉजी का ऑब्जेक्टिव है, स्टैंडर्डाइज द मेजरिंग मेथड्स,
ये उस ये मेजरिंग मेथड्स को स्टैंडर्डाइज करता है, मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, वो इसको करता है थ्रू पीरियोडिकल कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये इसको आपको मेजर करता है, टू प्रॉपर डिजाइन फॉर द गेजेज एंड स्पेशल इंस्पेक्शन फिक्चर, स्पेशल इंस्पेक्शन फिक्चर को बनाता है जिससे कि तो आपको इस तुरंत जो है इंस्पेक्शन फिक्चर काम आ जाए। कई इंस्पेक्शन फिक्चर्स पे कई तरह का आप जो है काम कर सकते हैं, आप उस पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इंस्पेक्शन फिक्चर्स पे आप जो है कई आप इसमें आप जो है प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप का इंस्पेक्शन फिक्चर वो आप यहां पर रेडी कर सकते हैं, कई तरह का गेजेज को आप डिजाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेट्रोलॉजी था, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेट्रोलॉजी है ना, फॉर नीड फॉर इंस्पेक्शन। कुछ नए स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं उसका मैं फिर से अटेंडेंस आपको आपको ले लेता हूं, अटेंडेंस मैं फिर से आपको बता देता हूं। 41 शेखर जी इज प्रेजेंट, 25 कौशल जी इज प्रेजेंट, 39 रौनक जी इज प्रेजेंट, 12 दीपांशु चौधरी इज प्रेजेंट, आकाश पवार जी 3 इज प्रेजेंट, अंकित शर्मा जी 6 इज प्रेजेंट, चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट, हृदय जी 19 इज प्रेजेंट, राहुल जी 32 इज प्रेजेंट, राहुल जी 32 अभी ज्वाइन किए हैं उनका भी अटेंडेंस बन गया, ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट, आशीष जी 7 इज प्रेजेंट, चंदन शाह 8 इज प्रेजेंट, जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट, नंदिनी जी 29 इज प्रेजेंट। तो आज जो है स्टडी मेट्रोलॉजी तक ही लिमिट रखते हैं, मेट्रोलॉजी तक में ही आपको यहां फिर ले आपको डिफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड, आपको लाइन स्टैंडर्ड, लीनियर मेजरमेंट, कल लीनियर मेजरमेंट हम लोग शुरू करेंगे, है ना। मेट्रोलॉजी तक ही आज जो है स्टडी को सीमित रखते हैं सर। 25% 25 हाँ कौशल जी इज प्रेजेंट, कौशल जी इज प्रेजेंट।